गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपीथ जम्बू फल चारु वक्षणम् उमास्वतम् शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामबागम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम मनोजवं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं बातात्मजं वानरजूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषितकरान् नवनीर्दावात् पीतंबरादर्णबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जम्प्रयवंत मनुपीतमपीत कृत्यम द्विपायनो बिरहाकाराजुहा पुत्रेति तन्मेतया तर्वोवनेन्दु स्तं सर्वभूत हृदयम् मुनिमान तो समी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नारायणं नमस्कृत्ते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरे। श्रीमुनि वेदव्यासाय नमः। श्रीमुनि शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत प्रवरेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्ण स्वरूपने श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सकल विघ्न करे दूर हमारे सकल विघ्न करे दूर हमारे सकल
सकल विघ्न करे दूर हमारी, सकल विघ्न करे दूर हमारी। शिव नंदन गिरजा के दुलारी, शिव नंदन गिरजा के दुलारी, गिरजा के दुलारी सकल विघ्न करे दूर हमारी, सकल विघ्न करे दूर गाता पान पड़े हम शरण तुम्हारी, पान पड़े हम शरण तुम्हारी। शिव नंदन गिरजा के दुलारी, शिव नंदन गिरजा के दुलारे, सकल विघ्न करे दूर हमारी, सकल विघ्न करे दूर हमारी। मंगल करता दुख को हरता, मंगल करता दुख को हरता, मंगल करता दुख को हरता, मंगल करता दुख को हरता। साधु संत, साधु संत जश गाता आके खड़े सब द्वार तुम्हारे, आके खड़े सब द्वार तुम्हारे। शिव नंदन गिरजा के दुलारी, शिव नंदन गिरजा के दुलारे, सकल विघ्न करे दूर हमारी, सकल विघ्न करे दूर हमारी। प्रथमे जो नर तुमको ज्ञाता, प्रथमे जो नर तुमको ज्ञाता, प्रथमे जो
प्रकट सुनहरे। शिव नंदन गिरजा की दुलारी, शिव नंदन गिरजा के दुलारी, गिरजा के दुलारी, सकल विघ्न करे दूर हमारे। गमरे सा श्री राम, जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गो गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण, नाथ नारायण, वासुदेव नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। वेयम वे जय जगदम्बे, वेयम वे जय जगदम्बे, अम्बे मा सकल विघ्न करे दूर हमारे, सकल विघ्न करे दूर हमारे, सकल विघ्न करे दूर हमारे, सकल विघ्न नंदन गिरजा के दुलारी, नंदन गिरजा के दुलारी, के दुलारी, सकल विघ्न करे दूर हमारे। महाराज की सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। परम पूज्य चरण अखंड मंडल मारतंड आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषण सदगुरु श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। अनंत कंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा आदि शक्ति मां भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। अर्चनीय वंदनीय सम्माननीय सप दिवसीय इस ज्ञान जग के हमारे विद्वान आचार्यगण, आदरणीय इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक मुख्य यजमान हमारे श्री सतपाल जी शर्मा, श्री मनसा सिंह जी, इनके साथ सहयोगी हैं हमारे आदरणीय श्री काका राम जी शर्मा, श्री कृष्ण लाल जी, श्री बंधु जी और भी गन्ने माने लगभग
पूरे क्षेत्र की ओर से, धर्म नगरी उधमपुर की ओर से सभी का सहयोग है। इस ज्ञान जग में अर्थात श्रीमद् भागवत के प्रांगण में उपस्थित मेरी श्रद्धा स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों एवं सभी प्रिय भगवत प्रेमियों श्रोतागणों, गुरु प्रभु की अपार कृपा से आप लोगों के पुण्य से, तप से पुनः जहां रठियान में श्रीमद् भागवत की पावन कथा सप्तदिवसीय ये ज्ञान जग का श्री गणेश शुभारंभ होने जा रहा है। पंडित जी ने बड़ी विधि से कल स्थापन देव पूजन करवाया है और मुहूर्त के अनुसार हवन यज्ञ आदि भी होगा। आओ, सौभाग्यशाली है वो जीव जिन्हें इस ज्ञान जग में आने का, जहां बैठने का, विशेष करके कथा श्रवण करने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाग्यशाली वो नहीं है जो जहां रहने की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, बल्कि भाग्यशाली वो है जो जहां से जाने की अच्छी तैयारी करते हैं पहले से ही, क्योंकि जाना पक्का है। वाणी में आता है, कल्ले आए नानका सद्दे उठी जाए। उसके भेजे हुए हम इस संसार में आए हैं और बुलाने पर जाना होगा। जो जाने को तैयार नहीं, पछता पछता करके चले गए, तो इसलिए हम तैयारी करें। घर से बाहर निकलना हो तो भी मनुष्य थोड़ी तैयारी करके निकलता है, फिर यदि और दूर जाना है तो थोड़ी पहले से तैयारी करता है। विदेश में जाना हो तो मनुष्य 6 महीने पहले तैयारी करेगा, पासपोर्ट बनाएगा, वीजा लगवाएगा, वहां क्या क्या ले जाना है, इस तरह से पूरी वो तैयारी पहले से करता है। और यदि हमें परलोक में जाना है, इतनी लंबी यात्रा है, तो उसकी तैयारी कब से करनी चाहिए? शुरू से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। वो इतनी लंबी यात्रा है कि जन्म जन्म मुनि यत्न करे अंत राम कछु आवत नाही। इतनी लंबी यात्रा है, कई जन्मों की ये यात्रा है, जन्म लग जाते हैं। और यदि कोई तत्वदर्शी महापुरुष, कोई ज्ञानी महापुरुष, आत्म वेता महापुरुष, उसका हमें सत्संग मिल जाए और वो हमें मोह रूपी निद्रा से जगा दे कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, इस मोह रूपी अज्ञान रूपी निद्रा से हमें जगा दे, हमें अपने स्वरूप में स्थित कर दे, तो कितना समय लगता है वहां पहुंचने में? 1 सेकंड भी नहीं लगता। पहुंचे पहुंचाए हैं, केवल अज्ञान अंधकार की निवृत्ति होनी चाहिए। केवल मोह रूपी जो नींद में सो करके, गफलत की नींद में सो करके, जो अनेक प्रकार के हम स्वप्न देख रहे हैं, इनसे जगा करके हमें हकीकत में हकीकत बता दे, तो हम वहां पहुंचे पहुंचाए हैं। हमें अपने स्वरूप का, अपने अस्तित्व का, अपनी एग्जिस्टेंस का, अपने वास्तविक जो अपना आपा है, मात्र उसका बोध हो जाए। बोध होते ही मोक्ष की प्राप्ति, बोध होते ही परमात्मा की प्राप्ति, बोध होते ही परम शांति और परमानंद की प्राप्ति होती है।
मात्र बोध होते ही, और जिन पर प्रभु की कृपा होती है, जिनका अंतःकरण निर्मल होता है, उन्हें बहुत शीघ्र बोध हो जाता है। सचमुच जो सत्य को जानने के लिए ही आते हैं, निश्चित वो सत्य को जान लेते हैं। और जो अन्य कोई कामनाएं लेकर के आते हैं, इच्छाएं लेकर के आते हैं, तो देर सवेर उनकी वो इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। ये ज्ञान जब कल्प वृक्ष है, पर भागवत में लिखा है कि हम निष्काम भाव से कथा श्रवण करें, जो काम भी करें, भजन भी निष्काम करें, सेवा भी निष्काम करें, परमात्मा का स्मरण भी निष्काम करें, यज्ञादि कर्म जो कुछ भी है, हम विशेष करके इस समय कथा श्रवण कर रहे हैं, तो निष्काम हम ये कथा श्रवण करें तो निश्चित ये कथा ही हमको तार देगी। राजा परीक्षित ने और कुछ नहीं किया था, केवल कथा ही श्रवण की थी, वो भी जीवन में केवल एक बार। एक बार ही कथा श्रवण कर लेने से मनुष्य मुक्ति का, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। फिर जिसे दो बार या बार बार कथा श्रवण को मिले, करने को, श्रवण करने को कथा मिले, ऐसा मनुष्य जो है वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है, नारायण का ही रूप हो जाता है। जो नर से करनी बने तो नर नारायण होए। सचमुच आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस समय इस ज्ञान जग में बैठे हैं। आओ, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है जी? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, आनंद किसे कहते हैं, उसकी प्राप्ति कैसे हो, भक्ति की, मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो।